जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ही बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्योंकि कई अहम प्रस्ताव जो है वो पेश किए जाने थे, कई अहम एजेंडे थे जिनको लेकर चर्चा आज उस बैठक में की जानी थी, लेकिन अब चूंकि बैठक खत्म हो चुकी है, कई अहम जो प्रस्ताव पेश किए गए उनको मंजूरी मिली है, कई जो एजेंडे थे उन पर चर्चा भी बैठक के दौरान हुई, लेकिन सबसे अहम बात, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक संपन्न हुई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम कैबिनेट के मंत्री जो हैं इस दौरान मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी इस बैठक में मिली है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। वहीं चंडीगढ़ में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, रात 8 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने ये बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बैठक बुलाई है। सीएम नायब सैनी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रात 8 बजे चंडीगढ़ में ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बैठक बुलाई है। हाल फिलहाल में नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, कोर ग्रुप के सदस्य हैं, वो मौजूद रहेंगे। भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस दौरान मोहनलाल बड़ौली जो अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बैठक लेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को बनाया गया है और अब कोर ग्रुप की जो बैठक बुलाई गई है उसमें कई अहम एजेंडे ऐसे होंगे, कई अहम मुद्दे ऐसे होंगे जिसको लेकर मोहनलाल बड़ौली की ओर से चर्चा की जाएगी। तो इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में देखे जाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी, प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में मोहनलाल बड़ौली, और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे अहम भूमिका मुख्यमंत्री की रहने वाली है, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए किस तरह से विधानसभा चुनाव होते हैं, मोहनलाल बड़ौली कैसी भूमिका अदा करते हैं, कितनी मजबूती दिखाते हैं, वो सब देखना होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल रुखाया मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। साहिल, चूंकि आज 8 बजे रात को ये बैठक बुलाई गई है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जिसे मोहनलाल बड़ौली की ओर से बुलाया गया है, कैसी तैयारियां बैठक को लेकर की गई है, क्या मुख्य एजेंडा बैठक का रहने वाला है कोर ग्रुप की इस मीटिंग में? बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को 2 महीने से कम का जो समय जो है वो बचा है, तो ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है वो लगातार फील्ड में जो है वो उतरी हुई है, लगातार जो है अलग अलग कार्यक्रम जो है वो बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। और 16 तारीख को महेंद्रगढ़ के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो पहुँच रहे हैं और एक रैली का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इससे पहले 13 तारीख को जो है एक बीजेपी की बैठक भी जो है महेंद्रगढ़ के अंदर रहने वाली है। जिला अध्यक्षों और विधायकों को वहां बुलाया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मोहनलाल जो बड़ौली अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। तो आज भी एक बड़ी बैठक जो है वो कोर ग्रुप की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनकी ओर से ये बैठक जो है वो पहली बार बुलाई गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। कोर ग्रुप के 14 सदस्य इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से 16 जुलाई को जो महेंद्रगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं उनकी रैली को लेकर जो है वो तैयारियों को लेकर जो है चर्चा जो है इस बैठक के माध्यम से की जाएगी। तो तमाम पार्टियां जो है वो एक्टिव मोड में फिलहाल जो है वो हरियाणा में देखी जा सकती है, क्योंकि 2 महीने से कम का समय जो है वो विधानसभा चुनाव को बचा है। तो ऐसे में जोर अजमाइश जो है वो तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी करने लगी। अगर बात की जाए कांग्रेस की
की ओर से भी आगामी जो चुनाव को लेकर जो है कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो भी 20 के बाद जो है वो हरियाणा के अंदर एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं। कुमारी शैलजा की भी एक अलग रथ यात्रा जो है वो निकलने वाली है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी जो कार्यक्रम जो है वो हरियाणा के अंदर रहने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। बीजेपी भी जो है लगातार फील्ड में जो है जो कार्यकर्ता है, विधायक है, मंत्री है, वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और अब सूत्र यही बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी हर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है कि वो 3 से 4 दिन का प्रवास कार्यक्रम जो है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में करेंगे, जनता से मिलेंगे और फीडबैक लेंगे। और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम जो है वो बीजेपी की ओर से किया जाएगा। तो तमाम पार्टियां जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अपनी अपनी रणनीतियां जो है वो तैयार कर रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी की ओर से कोर ग्रुप की बैठक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर बुलाई गई है। साहिल, ना सिर्फ भाजपा बल्कि तमाम जो राजनीतिक दल है अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन आज पहली बार मोहन लाल बड़ौली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये बैठक बुलाई गई है। तमाम जो मुद्दे होंगे उस पर बातचीत की जाएगी और विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।